बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 102 बेसिक अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री का ये लेक्चर नंबर 7 है हमारे पास। मैं आपको ये करवाने से पहले ये मेथड्स आपको आपके हैंड आउट शो करवाता हूँ और वहाँ पर कुछ आपको बातें एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास ये डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक फंक्शन की। वो क्या कह रहा है? क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन ऑफ द टाइप, ये जो टाइप है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो है वेयर ए बी एंड सी आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स, ए बी सी जो हैं वो कोफिशिएंट हैं, इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फंक्शन। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन विल फॉर्म अ पैराबोला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक होता है। ईच ग्राफ विल हैव एदर अ मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, और जो हर ग्राफ है वो मैक्सिमम पॉइंट भी रखता है और मिनिमम पॉइंट भी रखता है। देयर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री विच विल डिवाइड द ग्राफ इंटू टू हाफ्स, और जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो दो हिस्सों में ग्राफ को तकसीम कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, वट हैपन्स इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ ए एंड सी। When a is positive, the graph concaves downward, यानी ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड खुलता है। When a is negative, the graph concaves upward. When c is positive, the graph moves c units up. When c is negative, the graph moves c units down. MCQs के लिए और क्विजीज के लिए आपको ये बातें जो हैं वो याद रखना ज़रूरी है। Next हमारे पास है, हम वो देखते हैं। Next हमारे पास है सोल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। सिंस वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बाय सेटिंग वाई को जब आपने जीरो रखना है तो वी सेटअप अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन से हम फिर क्या सेटअप कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम वाई को जीरो पुट करते हैं। टू फाइंड द सोल्यूशन मीन्स वी नीड टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट, सिंस द ग्राफ इज अ पैराबोला, देयर विल बी एट मोस्ट टू सोल्यूशन। तो हमारे पास कितने सोल्यूशन होंगे, टू सोल्यूशन होंगे। अब यहाँ पे एक मेथड है ग्राफिंग मेथड, जो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप मेथड जो है वो सॉल्व करते हैं। इन दिस मेथड वी यूज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड ग्राफ द इक्वेशन, हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में इक्वेशन को पुट कर देते हैं और हमारे पास जो ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है वो आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। टू सोल्व द इक्वेशन राइट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इन टू योर ग्राफिंग कैलकुलेटर, आप इसको ग्राफिंग कैलकुलेटर में पुट कर दें वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, तो आपके पास दो सोल्यूशन आ जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू टू। तो ये आपका जो मेथड है ये साइंटिफिक कैलकुलेटर या ग्राफिंग कैलकुलेटर पर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड देन जो फार्मूला मेथड है, तो ये मैं आपको वाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे ये तीनों मेथड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट जो है हमारे पास, आपने अभी देखा कि हमारे पास ग्राफ मेथड था, ग्राफिंग मेथड। एक मेथड वो है जो वो ग्राफिंग कैलकुलेटर या साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप वो फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड है, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, और है हमारे पास फार्मूला मेथड। ये आपके पास एग्जांपल दी गई है आपके हैंडआउट्स पे, मैं वो यहाँ पे लिख ली है मैंने वो एग्जांपल। तो बाय फैक्टराइजेशन सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर, ये 5x इधर आएगा माइनस 5x, माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। आपने क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है उनको आपने मल्टीप्लाई करना होता है, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर आया 6x स्क्वायर। और ये जो कोफिशिएंट होता है इसकी आपने फैक्टर बना लेने, इसके तो हमने 2, 3, 6, तो ये 2 और 3 जो हैं ये फैक्टर्स हैं, तो ये 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6।
ये और इनको हम प्लस करें यानी 3 + 2 तो आंसर क्या आता है 5 आता है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करनी आसान हो जाएगी। हम लिखेंगे x² - 2x - 3x + 6, क्योंकि करने से तो माइनस माइनस यानी -2x और -3x, हम इसको प्लस करेंगे तो -5x आंसर आ जाएगा, जो हमारी ये टर्म है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे -2x × -3x, माइनस माइनस प्लस 6x², तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो देन अगर ये आपकी बातें जो हैं ये सेटिस्फाई कर जाएं इसके साथ, तो आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो करेक्ट है। हम इन दो टर्मों में से x कॉमन लेते हैं, इन दो टर्मों में से -3 कॉमन लेते हैं। x कॉमन लिया तो अंदर बच गया x - 2 - 3, कॉमन लेने से अंदर के साइन चेंज होंगे, ये -x + x हो जाएगा और ये -2 आएगा। यहाँ पर जब हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। एक दफ़ा हम ये लिख लेते हैं x - 2 और x - 3। नेक्स्ट हम लिखेंगे x - 3 = 0 and x - 2 = 0, तो आंसर आ जाएगा आपके पास x = 3 and x = 2। ये जो दोनों आंसर्स हैं ये हैं हमारे पास, ये क्या कहलाते हैं, ये सॉल्यूशन तो है इस इक्वेशन का मगर ये क्या कहलाते हैं, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन कहलाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि ये दोनों सॉल्यूशन तो हैं इस इक्वेशन के लेकिन ये रूट्स भी कहलाते हैं इस इक्वेशन के, ये बात आपने माइंड में रखनी है। कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड है हमारे पास नेक्स्ट। ये हमारे पास इक्वेशन है, आपने क्या करना होता है, कॉन्स्टेंट टर्म को आपने राइट साइड पर ले जाना होता है, तो वो ले गए तो हमने इधर फार्मूला बनाना है। हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला है a + b² = a² + 2ab + b². इस फार्मूले को कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट रकम है x² + 2, नेक्स्ट है हमारे पास x जो है वो फर्स्ट रकम है, देन हमारे पास है हम कौन सी ऐसी रकम यहाँ पे रखें कि 6x बन जाए, हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 × 2 = 6x बन जाएगा, तो दूसरी रकम क्या है 3 का स्केयर, तो वो 3 का स्केयर इधर भी प्लस होगा इधर भी प्लस होगा, मैथ के लॉ के मुताबिक हम दोनों साइडों पे क्या करेंगे 3 के स्केयर को प्लस करेंगे। तो ये जो है पूरा ये जो फार्मूला बन जाएगा x + 3 का स्केयर और इधर -3 + 9 हो जाएगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6, तो x + 3 = जब दोनों तरफ हम स्केयर रूट लेंगे, इसका भी स्केयर रूट लेंगे और इसका भी स्केयर रूट ले लेंगे, तो ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसल और यहाँ पे आ जाएगा +-6 का स्केयर रूट आंसर आ जाएगा। तो जो है आप +3 उधर जाके -3, हमने एक दफ़ा प्लस का लिख लिया और एक दफ़ा माइनस का लिख लिया, तो जब आप इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा -0.55 और -5.45। तो ये था हमारा बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। मैं आपको एक और बात बताता चलूं, अगर एक्स स्केयर के साथ कंप्लीटिंग स्केयर मेथड में कोफिशिएंट का 1 होना ज़रूरी है अगर आप सवाल को इजीली करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर 7 होता तो आप पहले इक्वेशन को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो देन आप कंप्लीटिंग स्केयर मैथड को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूला मेथड और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, तो अब हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये एग्जांपल है, हमने ये ली एग्जांपल, हम देखते हैं कंपेयर करते हैं तो a = 1 है, b = 6 है एंड c = क्या है 3 है। एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को ए कहते हैं, एक्स के कोफिशेंट को बी कहते हैं और ये जो कांस्टेंट रकम होती है उसको क्या कहते हैं हम सी कहते हैं। तो देन आप इस फार्मूले में b² की जगह फिर b - 4 फार्मूले में है, a की कीमत 1, c की कीमत 3/2 जो है फार्मूले में है, a की कीमत 1 पुट करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ तक जो है ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 24 के जो हैं फैक्टर्स लिए हैं, 2 and 2 जो है ये 2² + 6, तो ये इसका स्केयर रूट, तो हम 2 का स्केयर जो है स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो गए, 2 जो बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ 6 का स्केयर रूट बच जाएगा। हम इन दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे, जब 2 को कॉमन लिया यहाँ पे -3 आ गया, तो यहाँ पे 2 था वो बाहर ही क्योंकि हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके मेथड जो थे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के, तो ये मैंने एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट का टॉपिक है। ये डिस्क्रिमिनेंट का टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट, जो अब हम इसको सीखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है बी स्केयर माइनस फोर ए सी, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में स्केयर रूट के नीचे जो एक्सप्रेशन थी वही ये एक्सप्रेशन है। आप देख सकते हैं ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है, और आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में स्केयर रूट के अंडर जो एक्सप्रेशन था वो यही एक्सप्रेशन था, और यही डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। तो इसके जो है थ्री केसेस हैं। हम फर्स्ट केस जो है सबसे पहले करते हैं, ये फर्स्ट केस है, और ये फर्स्ट केस का ये हिस्सा जो है ये पार्ट है इस फर्स्ट केस का, तो ये इधर वाला पार्ट जो है ये सारा फर्स्ट केस है। वो कहता है अगर बी स्केयर माइनस फोर ए सी यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, मतलब कि पॉजिटिव आ जाए, देयर विल बी टू डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होंगे? टू होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। सॉल्यूशन को हम रूट्स भी कहते हैं, ये बात आप जहन में रखिएगा। रूट्स यानी सॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं और रूट्स भी आप, यानी रूट्स कितने होंगे? टू होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे, मतलब तादाद में दो होंगे, आपस में मुख्तलिफ होंगे, और उनकी जो है वो नंबर कौन से होंगे? वो रियल नंबर होंगे। देखते हैं, एग्जांपल है हमारे पास। हम सबसे पहले ये है हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ए जो है वो टू है, बी जो है वो सेवन है, एंड सी जो है वो फोर है। हमने डिस्क्रिमिनेंट लगाया बी स्केयर माइनस फोर ए सी। जब हमने बी की जगह पे बी की वैल्यू माइनस फोर, ए की जगह पे ए की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट की, सिंपलीफाई किया, तो आंसर आया 17, जो कि है ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब वो क्या है? आंसर आपका डिस्क्रिमिनेंट का पॉजिटिव है। तो सॉल्यूशन क्या होंगे? टू होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। इसको साबित करने के लिए मैंने यही एग्जांपल जो है, क्योंकि इसी को लेंगे, क्योंकि हमने इसी का डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हमने पीछे ही लेक्चर में अभी पढ़ा है उसको। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमने वो वैल्यूज़ ए बी सी की पुट की, हमारे पास ये दो आंसर्स आ गए, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। तो ये दो आंसर हैं, दोनों रियल हैं और दोनों मुख्तलिफ हैं। या मुख्तलिफ कैसे हैं? ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, और इसमें अयोटा नहीं है, इसलिए ये क्या है? रियल सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आपको केस वन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं केस टू की जानिब। केस टू है हमारे पास इफ़ बी स्केयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, देयर विल बी एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा, और क्या होगा? रियल होगा। देन है, हमने एग्जाम्पल ली है, ये है टू एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस टू, इसमें ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू फोर, एंड सी इज इक्वल टू क्या है? टू है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं, बी स्केयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू, हमने वैल्यूज़ पुट की डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में, आंसर आ गया हमारे पास ज़ीरो। ये केस टू है, ज़ीरो आंसर आएगा। तो हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो एक ही होगा, और वो क्या होगा? रियल होगा। हम इसी एग्जांपल को चेक करते हैं, पड़ताल करते हैं उसकी। टू एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस टू, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास एक ही एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन आता है, और वो कौन सा है? रियल सॉल्यूशन है, क्योंकि अयोटा नहीं है। ये था हमारा केस टू, एंड नेक्स्ट है हमारे पास ये केस थ्री। केस थ्री की जानिब बढ़ते हैं। इफ़ बी स्केयर माइनस फोर ए सी लेस देन ज़ीरो देयर विल बी नो रियल सॉल्यूशन। तो अब हमारे पास ये एग्जांपल है, और वो क्या कह रहा है? अगर बी स्केयर माइनस फोर ए सी लेस देन ज़ीरो हो, यानी क्या हो? नेगेटिव हो, इन अदर वर्ड्स, तो हमारे पास कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। हम इसको देखते हैं, थ्री एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसमें ए इज इक्वल टू थ्री, बी इज इक्वल टू फोर, एंड सी इज इक्वल टू क्या है? टू है।
बी स्केयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू, हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट की, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट करी गई, तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आया, माइनस एट लेस देन ज़ीरो है ये आपका आंसर। इस डिस्क्रिमिनेंट के केस में अगर लेस देन ज़ीरो हो तो आपके सॉल्यूशन क्या होते हैं, रियल कभी भी नहीं आते। यही एग्जांपल हम दोबारा ली और इसको हमने चेक किया, पड़ताल की इसकी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, हमने अप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई करते गए और आप देखते हैं माइनस एट का स्क्वायर रूट, यानी हमारे पास आंसर आ गया कम्प्लेक्स नंबर में। तो आप जानते हैं कि रियल सॉल्यूशन नहीं है कम्प्लेक्स नंबर। तो केस थ्री यही था कि आपके जो रूट्स हैं या सॉल्यूशन हम जिनको कहते हैं वो आपके क्या आए हैं, रियल नहीं आए, आपके कम्प्लेक्स आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।